बिना ग्राहक को सूचित किए पिछले 7-8 दिनों से मनमानी तरीके से लोड शेडिंग कर रही है महावितरण कंपनी। ना की जाए लोड शेडिंग, महमूद खान पठान की मांग। आप देख रहे हैं VSM प्राइम, देखिए पूरी खबर। आज माननीय कलेक्टर साहब और अधीक्षक अभियंता साहब को निवेदन दिया गया, जिसमें यह बताया गया है कि पिछले लगभग 7 से 8 दिनों से मनमानी तरीके से महावितरण कंपनी लोड शेडिंग कर रही है। महावितरण कंपनी ने ना तो लोड शेडिंग का कोई टाइम टेबल बनाया है, ना ही ग्राहकों को किसी भी तरह की कोई जानकारी दी है। महावितरण कंपनी सिर्फ और सिर्फ अकोला पश्चिम के सलम इलाकों में ही कर रही है लोड शेडिंग। क्या यहाँ के लोग बिल नहीं भरते? जब बिल भरते हैं तो पश्चिम में ही क्यों लोड शेडिंग की जा रही है? अकोला पूर्व में क्यों नहीं कर रही है महावितरण कंपनी लोड शेडिंग? क्योंकि वहाँ पर आमदार खासदार के घर है, इसलिए क्या सलम इलाकों के लोग ही यह सब तकलीफों का सामना करेंगे? जब अकोला पश्चिम में महावितरण कंपनी लोड शेडिंग कर रही है तो अकोला पूर्व में क्यों नहीं? इस पर माननीय कलेक्टर साहब ने और महावितरण कंपनी के अधीक्षक अभियंता साहब ने हमें वादा किया है कि 4 या 5 दिन में ये लोड शेडिंग खत्म की जाएगी और लोगों को राहत दी जाएगी। इस पर हमने उन्हें कहा है कि अगर लोड शेडिंग खत्म नहीं की गई तो हम संवैधानिक तरीके से आंदोलन करेंगे। इस अवसर पर महमूद खान लोधी, सामाजिक कार्यकर्ता वसीम सिद्दीकी, शादाब इलियास मंसूरी, मुजाहिद खान, समीर खान, साहिल खान, शेख असीफ, वसीम खान, अमीन खान, शेख स्माइल मौजूद थे। साजिद सौदागर की रिपोर्ट। आज हमने माननीय कलेक्टर साहब के साथ साथ अधीक्षक अभियंता जो पूरे जिले के बॉस है, माननीय कचो साहब, इनसे भी मुलाकात करके इन्हें भी एक निवेदन दिया। हमारे निवेदन देने के बाद कचो साहब ने कहा कि ये जो लोड शेडिंग का जो प्लानिंग है वो हम जल्द से जल्द ख़त्म करेंगे और आपके निवेदन के माध्यम से हम इसे 3 या 4 दिन के अंदर ही समाप्त करेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि कचो साहब ने जो आश्वासन दिया उस पर वो खड़े उतरे, अन्यथा हम उन्हें ये कह के आए कि हम अगर 4 या 5 दिन में लोड शेडिंग जाना बंद नहीं हुई तो संवैधानिक तरीके से हम आंदोलन करेंगे।